बोर्ड के पेपर में फर्स्ट एक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो किसके लिए होता है, लैंग्वेज स्टडी के लिए होता है। तो लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के लिए आता है, 10 मार्क्स के लिए आता है। उसमें सिंपल से एक एक्टिविटी है लेकिन आपको लगते समय वो डिफिकल्ट लगती है, वो होता है क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी सेक्शन होता है 2 मार्क्स का। उसमें पहला क्वेश्चन होता है ए और बी में डिवाइड होता है, उसमें से एक ए होता है और दूसरा बी होता है। तो ए और बी में से आपको सिर्फ क्या करना सॉल्व होता है, एक ही सॉल्व करना है। तो ए में आता है एक फ्रेज दी जाती है, कोई एक फ्रेज दी जाती है और उस फ्रेज को आपके मन से वाक्य उसे पूरा करना है, जैसे टू लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, ऐसी फ्रेज दी जाती है उसका वाक्य आपको मन से बनाना है। उसके बाद उसके अलावा अगर आपको फ्रेज नहीं करनी है तो उसके लिए और होता है एड अ क्लॉज टू एक्सपांड इट, क्लॉज एड करना है। क्लॉज क्लॉज क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और उसको इम्प्लीमेंट दूसरा वाक्य होता है, बराबर है। तो आपको आधा वाक्य दिया जाता है मुख्य वाक्य, उस पर डिपेंड वाक्य जो है वो आपको क्या करना है, आपके मन से पूरा करना है। जैसे सामने दिया है टू एक्सपांड इट, एक्सपांड करना मतलब उसे एक्सपांड करो, मतलब बड़ा बनाओ। इस आधा वाक्य है, आधे वाक्य को आपको क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन ये दो वाक्यों का मिलकर एक वाक्य बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जैसे दिस इज द स्कूल, यहाँ वो स्कूल है। आपके मन से कुछ भी बताओ, वाक्य बता, मैं एक बताती हूँ, वेयर आई स्टडी, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की। दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ाई की। एज डिपेंडेंट वाक्य मिला हमको, दिस इज द स्कूल, ये मेन क्लॉज है, इसके डिपेंड क्या है, वेयर आई स्टडी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, वाक्य इस प्रकार से कंप्लीट करना है। दिस इज द स्कूल फिर आपको समझ में आना चाहिए ये स्कूल के बारे में है, तो हमें अब उससे संबंधित वेयर आई स्टडी, दिस इज द स्कूल, और अपने मन से वाक्य बनाओ, दिस इज द स्कूल विच इज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा है। दिस इज द स्कूल विच आई लाइक, जो मुझे पसंद है। दिस इज द स्कूल विच इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो सिटी के हार्ट में है। दिस इज द स्कूल विच हैज अ वेरी बिग प्ले ग्राउंड। दिस इज द स्कूल विच हैज अ वेरी बिग लाइब्रेरी। कुछ भी बना, आराम से उसी के लिए मैंने और चार पांच वाक्य लिए हैं, अपने मन से आप बना सकते हो। देखो दिस इज द सिटी, ये वही सिटी है, वाक्य डिपेंडेंट होना चाहिए, जिसका मैं जिसे वाक्य को मीनिंग होना चाहिए। दिस इज द सिटी वेयर आई लिव, लिव जहां पे मैं रहता हूँ, वेयर आई लिव जहां मैं रहता हूँ। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों भी आने जरूरी होते हैं, बराबर है। दिस इज द सिटी वेयर आई लिव, नहीं तो फिर वो फ्रेज हो जाएगी, छोटा सा टुकड़ा लिखा आपने तो। ये तो आपको क्या चाहिए, पूरा क्लॉज चाहिए जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों भी होता है। ही लव्स दैट फ्लावर, उसे वो फ्लावर पसंद है, विच इज ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर है। ही लव्स दैट फ्लावर विच इज ब्यूटीफुल, ही लव्स दैट फ्लावर विच इज पिंक, ही लव्स दैट फ्लावर विच इज वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक है। कुछ भी करो ना, विच इज क्या कह सकते हम लोग, ठीक है। दिस इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति है, अपने मन से बोलो, हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी, जिसने मेरी मदद की, जिसने मेरी मदद की। दिस इज द पर्सन हु इज वेरी रिच, जो बहुत अमीर है। दिस इज द पर्सन हु इज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है। दिस इज द पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज द पर्सन हु इज वेरी ऑनेस्ट। कुछ भी लिखो, कैसे करते हैं आपके समय इसका प्रैक्टिस से आएगा। फिर दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर आई बॉर्न, जहां पे मैं मेरा जन्म हुआ, जहां पे मेरा जन्म हुआ, जहां पे मैं। This is the place which I like most, जो मुझे बहुत पसंद है। This is the place where I used to play, जहाँ पे मैं खेला करता था। This is the place where my mother brings me, जहाँ मुझे मेरी माँ लेकर आती थी। आ रहे समझ में? Yes.
क्लॉज कैसे ऐड करने हैं, क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है। तो अलग अलग वाक्य होते हैं और वो इन कनेक्टर्स द्वारा क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं। That, which, when, I like this bag. इसका क्या क्या नाम है? I like this bag. That is beautiful. जो बहुत सुंदर है। तो कनेक्टर्स के रूप में मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में that, where, when, which, where ये सब आप डाल सकते हैं। वो किस पे डिपेंड होता है? यहाँ पे जो आता है ना उस पे डिपेंड होता है। तो क्लॉज कैसे ऐड करना है मैम? ठीक लगा? एक मार्क का है। इसके अलावा इसके लिए और एक आता है कि फ्रेज आती है, जैसे कि या मैं लिखती हूँ टू टेक केयर ऑफ, केयर ऑफ, टू बी नोन एज, एक तो ये आता है या फिर क्या आता है, तो आपको अपने मन से लिखना है। इसके लिए जैसे टू बी नोन एज, टू बी मतलब टू बी का रूप आना चाहिए, नोन एज तो ये है, तो कैसे होगा? ही इज नोन एज मास्टर शेफ। वो क्या जाना जाता है? मास्टर शेफ के रूप में जाना जाता है। ये नोन एज बराबर किया टू बी के रूप में, इज आया, ही इज नोन एज मास्टर शेफ। टू टेक केयर ऑफ क्या होगा? माय मदर टेक्स केयर ऑफ माय फैमिली, या फिर मी लिखा तो भी चलेगा। ये आसान लगे तो ये सॉल्व करो, ये आसान लगे तो ये सॉल्व करो, दोनों में से एक ही लिखना है। कितना मार्क मिलेगा? एक। क्वेश्चन नंबर वन का बी, और बी में पहली एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी दो नंबर दो मार्क्स के लिए आती है। ये फर्स्ट एक्टिविटी है, दोनों में से